वेरी गुड। शायद कशिश ने ये सवाल पूछा था ना बेटा, आपने ही पूछा था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दो सवाल था आपने बता दिया, बता देते आप। यस ठीक है, किसी ने तो पूछा था, मुझे याद है। ये पिछले लेक्चर का सवाल है बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था ट्राई कीजिए, क्या आप लोगों ने ट्राई किया? सर। हाँ सर, किए थे, मतलब जो क्या आपने आया बोला कुछ ये आप लोगों से सॉल्व हुआ? ना, मैंने अपने एनसीईआरटी सॉल्व की थी ना, और थोड़े से जो आपने भेजे थे वो थोड़े से रह गए थे। हाँ सिर्फ ये दो क्वेश्चन ट्राई करने को बोला था, और मैंने फिर लास्ट में बोला था कि बेटा एनसीईआरटी ट्राई कर लेना, और मैंने पेज नंबर भी लिख कर दिया था कि यहां से यहां तक आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए एनीवे, जो बच्चे कर लिए बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, कहानी में बात ये थी कि आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है? बस आपको आंसर ये देना था कि इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू ई पावर सी एक्स। कोई मुझे बताएगा बेटा कि अगर मुझे कोई भी फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बताइए क्या करते हैं। दो स्टेप है, मैंने आपको को बताया था। पहला पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएट करना। नो, फर्स्ट स्टेप काउंट आर्बिट्री कांस्टेंट। यस सर। उसके बाद आपको जितना आर्बिट्री कांस्टेंट आया उतने बार डिफरेंशिएट करोगे आप लोग। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि सर क्या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको क्या करना होता है? कॉल ऊपर वाला, ऊपर वाले को बुलाना होता है। ऊपर वाला यस मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले से हिंट लीजिए, वो पक्का दे देगा। मैंने यस स्पेसिस सर। दो तीन सवाल कराए थे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अब ये कर यस लेते हैं। देखिए बेटा, फिलहाल इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं मुझे बता दीजिए आप लोग। सिर्फ एक सर। है सर, और वो सिर्फ सी दिख रहा है। तो इस पूरे फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट किया जाएगा? एक एक बार बार। वन जैसे ही मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी ई पावर सी एक्स। बोलो कितने लोगों को नहीं समझा ये चीज? समझ ई गए पावर सी एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई समझ पावर गए सी एक्स, फिर सी एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे सी आएगा। मैंने चेन रूल के थ्रू उसको कर दिया। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या आप मुझे बताओगे कि बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और यस नो? सर। नो नो यस सर। यस क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो बेटा बात ये है कि सर, इसमें इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेजेंट है। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। मतलब हमारा आंसर बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट किया हम लोग क्या करेंगे? ऊपर बाय, इसको वाले वाले को को बुलाएंगे। ठीक ऊपर है, ऊपर वाले को वाले को बुलाएंगे बुलाएंगे। आप लोग? हाँ जी सर बुलाएंगे। तो देख लीजिए बेटा, क्या ऊपर वाला आने के लिए तैयार है? हाँ जी बोलिए बिल्कुल तैयार है। क्या आएगा लिखा जाएगा? वाई सी डी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स डी इक्वल टू सी वाई वाई सी। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ। नो तो सर, ये अब अब क्या भी नहीं। किया? डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी नहीं है, अब क्या किया जाए? बोलिए जल्दी बोलिए आप लोग। क्या मुझे कोई सी का वैल्यू बता पाएगा? सर इसको वन लो अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी परफेक्ट, क्या बात है। देखिए अभी भी सी का वैल्यू नहीं आया ना, तो आप लोग फिर से ऊपर वाले को जी। बोलिए देख बेटा सी का वैल्यू पास कर दू। सी का यस वैल्यू सर। कौन पास करेगा? इससे सर पूछ लो लीजिए। ऊपर वाला, बिल्कुल, फर्स्ट वाला। यहां से अगर आप सी का वैल्यू निकालना चाहोगे तो बेटा ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू सी एक्स। एंड उसके बाद आप यहां से सी का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई बाई एक्स। एक्स। समझ में आई? तो यस सर। आपका यस डीवाई सर। बाई डी एक्स कितना हो गया? सर लॉग वाई, लॉग लॉग वाई, लॉग मैं ऐसा वाई लिखूं बाय वाई लॉग वाई एक्स? हाँ जो भी है लिख ये लीजिए लॉग वाई, या इसको अच्छे से लिखते हैं यस सर। वाई बाई एक्स लॉग वाई। बात समझ में आया? अभी यस सर। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यस बहुत ही सिंपल होता है ये सब चीज, बस ध्यान देना होता है और कुछ नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस वैसा ही था। नाउ दिस टाइम यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। बताइए जल्दी से क्या होगा? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट बताइए कितने हैं? जीरो। नहीं,
यहाँ पे देखो फंक्शन के पास कितने आर अच्छा कोएफिशिएंट हैं, इसके दो बाद एक दो है, हैं, दो दो, है, दो है, C1 एंड दो है। C2 दो हैं। यस सर। क्या C1 को अगर आप वैल्यू दोगे, सपोज करो आपने C1 को वैल्यू दिया 2, तो क्या C2 भी 2 ही वैल्यू लेगा कि वो अलग लेगा? अलग अलग लेगा, लेगा। कनेक्टेड नहीं है ना। अगर कनेक्टेड होता है तो हम एक काउंट करते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हम मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये वाले में मैंने बोला था ना ये कनेक्टेड है, तो इसलिए आप क्या करोगे उसको काउंट देम 1, एक काउंट करना रहेगा आपको। इस क्वेश्चन में बेटा 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये ज्यादा पतला चल रहा है ना। हाँ जी, तो कितने बार डिफरेंशिएट किया जाएगा बच्चा लोग बताइए जल्दी से। दो दो बार, दो बार करेंगे सर बार। डिफरेंशिएट। देयरफॉर y इज इक्वल टू C1 e पावर C2x। दोबारा डिफरेंशिएट, पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा? y डैश इज इक्वल टू, सेवन अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसको प्रूफ करना था ना, मैं भूल गया। मेरे को एक क्वेश्चन देखिए याद है बेटा, ये पूछ रहा है ना कि ऐसा करके दो आप, आप हाँ समझ गए क्या करना है, क्या हाँ सर समझ गए। एक्स को दूसरी साइड करना ले है? जाएंगे, एक्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, यस सर। फिर ये तो क्या एक्स था आपको, वाई कि एक्स डैश जब लेके जाओगे तो एक्स वाई डैश बन जी। जाएगा। यस सर। ओ, मेरा मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा सॉल्व करना था, मैंने सॉल्व कर दिया। वेरी सर हमें आ गया समझ। वाई लोग वाई आई गुड, ये हो जाएगा वाई लॉग वाई आई, ये प्रूफ हो गया। मैं ये क्वेश्चन देखकर मेरे को दिमाग में, अच्छा ये तो ये करना है। एनीवे आप यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, वाई डैश इज इक्वल टू डिफरेंशिएट आपको लोग कर दीजिए, सबका मेरे से ही मत कराओ यार। C1 इंटू ई पावर C2x का डेरिवेटिव क्या होगा? परफेक्ट, C1 C2 e raised to power C2 x क्या बात है, C1 C2, C2 यार इतना e तो याद रखिए आप लोग, yes ई sir पावर C2x। एक बार और डिफरेंशिएट किया जाएगा बेटा, किया yes sir जाएगा, लेकिन एक चीज बता रहा हूं yes, आपको, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो ना, ट्राई करो कि हमको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, मतलब इतने बड़े टर्म्स को डिफरेंशिएट करने से बेहतर होगा कि मैं भगवान को अभी बुला लूं, ऊपर वाले को अभी yes बुला लूं, sir शायद वो छोटा करके जाए। कितने हाँ बार इस कर बार वाई डैश देगा इक्वल टू, सर। बोलिए। C1 C2 Y आ जाएगा। परफेक्ट, C2y। ये आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करें, तो ट्राई करें कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको शॉर्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करके डिफरेंशिएट करें। अच्छा, अब जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बेटा लोग, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू C2 Y डैश वाई डैश। सीधी सी बात है सर, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? मेरा क्वेश्चन यही है, नो सर, इज 8DE? नो नो, सर, क्योंकि आंसर इज नो। वाई आर्बिट्री इज प्रेजेंट कॉन्स्टेंट है ना अभी सर, भी सी है टू प्रेजेंट है, तो बेटा सी टू कहां से लेकर आओगे, ऊपर वाले से बुलाइए। तो ऊपर। इसका डबल डेरिवेटिव का भगवान कौन है? सिंगल ये डेरिवेटिव, सिंगल सिंगल वाला। हाँ डेरिवेटिव का भगवान कौन है सर? खुद फंक्शन। जी सर। वाई डैश का वाई, वाई डबल डैश का वाई डैश, वाई डैश का सिर्फ वाई। तो देखिए क्या बेटा, सी टू कहीं से आ जाएगा, परफेक्ट, वाई डैश डिवाइडेड बाय भगवान। क्या बात है यार। वाई डैश इज इक्वल टू वाई वाई डैश डिवाइड डिवाइड बाई वाई और इंटू में वाई डैश। वाई डैश कितने लोग समझ पाए सर आगे वाला क्या करेगा? अभी कोई वाई नहीं, डबल। बच्चा एक ही काम करेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो हाँ ये हो जी जाएगा बेटा वाई वाई डबल वाई डैश इज डैश इक्वल टू वाई डैश वाई डैश का। का होल स्क्वायर। क्या सामने वाला यही चीज पूछ रहा है? पूछ यस सर। यस सर। रहा है, यस बहुत ही आसान सवाल बनते हैं बेटा डी में। देखो कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी खुद ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर बैठा है, मतलब एनसीईआरटी के पास 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेकर बैठ गया है, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी आता है, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर है, 3D है, LPP है। ये 4-5 चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी इटसेल्फ इनफ है, तो ट्राई कीजिए ऐसे सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी के थ्रू करने का। आप देख लेना है आपको एनसीईआरटी में इसके जस्ट मतलब इसके शक्ल का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यस सर है एक। एनीवे बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता है, डरना नहीं है, डू वन थिंग, क्या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे बेसिक से फॉर्मूलाज याद रखो, लाइक अगर इलिप्स है तो उसका शक्ल कैसा होता है, हाइपरबोला है तो कैसा होता है, पैराबोला का शक्ल कैसा होता है, लाइन का फॉर्म कैसा होता है, फैमिली ऑफ लाइन का कैसा। सिर्फ आपको जनरल इक्वेशन याद रखने हैं, ताकि आप एक इक्वेशन को देख करके आइडेंटिफाई कर पाओ ये दिया हुआ इक्वेशन कैसे फॉर्म, मतलब कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है, इतना ध्यान देना है आपको। नाउ दिस टाइम क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ये मैंने जानबूझ के डराने के लिए लिख दिया था, अगर आप
एनसीईआरटी देखोगे तो एक स्लाइड प्लेन नहीं लिखा है, शायद ये लिखा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ लाइंस, कुछ ऐसा करके दिया है। एक बात बताइए बेटा, दुनिया का हर लाइन, कोई भी आप लाइन उठा कर लाओ, उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बोलिए हाँ कि ना? यस सर, यस सर। अब इतना तो याद होना चाहिए बच्चा लोग, आप लोगों को लिखा है सर, याद है? यस बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। तो बेटा ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। क्या बेटा मुझे बता सकते हो कि मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करते टाइम हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या रखेंगे? सबसे पहला चीज, आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड कीजिए। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बेटा? एक है। नहीं दो, दो है, दो है, दो है ना? ये भी आपकी मर्जी से चेंज होगा, ये भी आपकी मर्जी से चेंज होगा। स्लोप और सी, वाई इंटरसेप्ट, दोनों अपनी मर्जी से चेंज हो जाएंगे, चेंज होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज हो जाएगा। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं बेटा? दो हैं। अगर दो हैं तो मुझे कितने बार डिफरेंशिएट करना है? दो बार। दो। एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? एम एम सी का जीरो, एम एक्स का एम। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? जीरो वन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर। हाँ जी सर, अब की बार ये बिल्कुल है। पूछिए क्यों सर, क्यों सर? दिखाई नहीं आपको कोई? यस सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये बेटा तीन चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, है कैसा है कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं है कहाँ है कैसा है नहीं फर्क पड़ता। हमारा जो मेन चीज है वो है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट है ना, बाकी है नहीं है, हमको क्या करना है? बात समझ गए आप? हाँ, ये लास्ट में लिखते टाइम ध्यान देना कि क्या इसके पास कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बचा तो नहीं। अब यहाँ पे कोई नहीं बचा है, ये जीरो है, बेचारा कांस्टेंट है, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट मत बोल दीजिएगा। यहां पे आ जाते हैं बेटा। एनीवे, सेकंड में आते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन। कोई मुझे बताए कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, देखो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। बात समझते हो आप? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फंक्शन से डिफरेंशिएट करके डी फाइंड कर रहे हैं, आगे चल के हम d को पहले फाइंड करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करके फंक्शन के पास पहुंचेंगे। मैंने आपको बोला था ना, ये एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे दूसरे बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये अलग बात है कि सर क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे। यस सर। मुझे बता सकता है कोई बेटा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 comma y1 क्या होता है? y minus y1 equal to perfect y minus y1 equal to m x minus x1। क्या बात है, बता सकते हो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? इसमें एक ही है सर। एक ही है, क्योंकि सर ये पॉइंट x1 comma y1 देकर आपने फिक्स कर दिया। हाँ जी, कि ये x1 comma y1 से ही पास होगा, अब x1 y1 को चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करोगे बेटा लोग? एक बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब कितने लोग समझ पाए कि सर जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा dy / dx, बोलिए हां कि ना? यस सर, यस सर। उस साइड क्या बच जाएगा बेटा? जीरो। एम जीरो, एम, अरे mx का m, mx1 का जीरो। अच्छा हाँ, इसका डेरिवेटिव जीरो। यस सर, इसका दोनों का साथ में डेरिवेटिव जीरो। हाँ जी, mx का तो m आएगा ना? यस सर आएगा। मेरा सवाल ये है कि बेटा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, नहीं है अभी। इज इट डीई? नो, नो सर। अब क्या किया जाए सर, m को हटाया जाए? हाँ जी, m को कैसे हटाएंगे? y minus y1 upon x minus x1 put करके। Very good. Yes. आप देखिए ऊपर वाले से मदद मांगे, देख बेटा तू पास कर दे यार, m पास कर दे, ये m खुद ही पास कर देगा, बोलेगा ले जाओ भाई। समझ में आया? Yes sir। मांगो ना, इसके ऊपर वाले से मांगो, m पास करेगा, बोलेगा हाँ भाई लेके जाए इधर। हो गया, m पास हो गया आपका। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया बेटा? dy / dx is equal to y minus y1 upon x minus x1। क्या अब ये हाँ जी सर है? हाँ जी अब है। यस सर। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते टाइम हम दो तीन चीजें का ध्यान रखते हैं सर, आपका x है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका y है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका होना जरूरी है और ये आजाद होना जरूरी है, इसके सर पे कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं बैठा होना चाहिए, लॉग नहीं हो, साइन नहीं हो, कॉस नहीं हो, पावर रूट में ना आए, क्यूब रूट में ना आए, याद है ना आपको मैंने बोला था बेटा घोड़ा आजाद होना चाहिए। एनीवे anyway, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक बार मैं फोटो दिखाना चाहता हूं आपका,
फोटो ये बोल रहा है बेटा कि आपको सर्कल्स का सर्कल्स लिखा है ना, सर्कल्स मतलब कई सारे सर्कल्स बन सकते हैं हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर उसका वाई एक्सिस पे होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर वाई एक्सिस पे तो कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट को एज अ सेंटर बना करके मैं एक सर्कल बना सकता हूँ जो ओरिजिन से पास होगा। हाँ जी सर, समझ में नहीं आया लेकिन आप फोटो बनाकर दिखाएंगे तो समझ जाएगा। लीजिए आपके लिए फोटो बना देते हैं, ये रहा फोटो बेटा, सर्कल बनाना है, ये लीजिए वाई एक्सिस से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, वाई एक्सिस से पास हो रहा है, हो रहा है सर, लेकिन इतना गंदा सर्कल कैसे बना दिया सर आपने? मैंने नहीं बनाया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। कितने सारे सर्कल्स बना सकते हैं बच्चा लोग? बहुत ज्यादा सर, बनाते जाइए बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। तो इन सारे सर्कल का सेंटर जो है, ध्यान से समझिएगा बेटा, इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है, ब्लू वाले का सेंटर कुछ यहाँ पर रहेगा, पिंक वाले का सेंटर कुछ यहाँ पर रहेगा, येलो वाले का सेंटर कुछ और रहेगा, मान लीजिए वो कुछ यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। दो चीजें तो फिक्स है सर, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, सर्कल का सेंटर है वाई एक्सिस पे। अब एक बात बताओ बेटा कि वाई एक्सिस पे मिलने वाले हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होता है? जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ सर, अल्फा होगा या एक्स वन होगा जो मर्जी आप मान लीजिए, या ऐसा ही होगा ना? हाँ जी यस। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? जीरो कॉमा जीरो। मैंने अल्फा लिख करके एक बात फिक्स कर दी, कितने लोग समझ पाए? यस सर, अल्फा चेंज होता है, रेडियस ऑफ सर्कल अल्फा हो गया। यस सर, यही लोग है ना रेडियस, यही रेडियस लोग। अब ये जब अल्फा लोगे तो ये आपका रेडियस होगा, तो रेडियस आपने अल्फा ले लिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल अल्फा है। अब बताइए बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन क्या होता है? नहीं मालूम सर, इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा ये होता है, बस यही चीज याद रखना है आपको, एक्स माइनस, हाँ जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही हुआ, एक्स माइनस एच वाई माइनस के प्लस, वेरी गुड, के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बात है यार, मजा आ गया, वेरी गुड। अच्छा अब बता दीजिए बेटा, जब आपने इक्वेशन बता दिया कि एच और के क्या है सर? एच और के सेंटर में आते सेंटर है। अब इस सर्कल को देख करके क्या मुझे सेंटर बता सकते हैं आप? एच की जगह पे क्या होगा, के की जगह पे क्या होगा? जीरो होगा एच की जगह पे और के की जगह पे, वेरी गुड, क्या बात है। तो बेटा ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को ई ओ सी लिखता हूँ, छोटा लगता है इसीलिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका एक्स माइनस, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। नहीं समझे? हाँ जी सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये फंक्शन आपका रेडी है डिफरेंशिएट होने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा? सर आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कीजिए, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? एक ही तो है सर, एक ही है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कहानी में क्या आ जाएगा बेटा? 2x दिखा सबको, हाँ जी सर दिख गया, क्या सबको 2y dy दिख गया? हाँ जी सर दिख गया, और क्या आपको 2 अल्फा dy by dx दिख गया? हाँ जी दिख गया, इज इक्वल टू 0। यस सर, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ भी गया, लेकिन क्या हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट हो गया, अल्फा हटाने की कोशिश की जाएगी। बात समझ में आता है? हाँ जी सर, बिल्कुल आता है। थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करके इधर उधर कर लेते हैं, डीवाई बाई डीएक्स आपको कॉमन दिख जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2x प्लस डीवाई बाई डीएक्स कॉमन ले लीजिए, इधर हो जाएगा 2y माइनस 2 अल्फा, इनफैक्ट 2 तो कैंसिल ही हो रहा था तो मुझे कर ही देना चाहिए था। यस सर, कितने लोग देख पाए? डीवाई बाई डीएक्स मैंने 2 हटा दिया, बच गया माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस अल्फा, सबको दिखा कि नहीं दिख गया सर? यस सर, अल्फा कहां से आएगा? फंक्शन से आएगा सर, और कहां से आएगा? यस सर, अल्फा कहां से आ जाएगा? फंक्शन से आएगा, उठा के लाइए फंक्शन से। एक चीज आपने नोटिस किया बेटा,
इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रहा था ओरिजिन, ये 0.0 से पास हो रहा था. हाँ जी. अगर कोई पॉइंट, अगर कोई कर्व एक पॉइंट से पास हो रहा था, वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. याद है आपको? Yes, sir. If curve is passing through any point, then that point will satisfy the equation of curve. Guarantee है कि curve को satisfy करेगा ही करेगा. Yes, इस question में circle जो है बेटा 0.0 से pass हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि सर x और y दोनों 0 and 0 हैं. हाँ जी. समझ गए आप? 0.0 रख दीजिएगा यहाँ पे. अल्फा का वैल्यू कुछ तो आ जाएगा, 0 ही आ रहा है. तो आप हटा सकते हैं, -6/y आंसर आ जाएगा. नहीं समझे? नहीं समझे सर, एक बार देखिए बेटा, सर्कल 0.0 से पास हो रहा है ना, तो एक्स और वाई जीरो, क्या कर दीजिए यहाँ पे, अल्फा आ जाएगा. सिंपल. और कोई है? नहीं है, खत्म हो गया पिछले लेक्चर का कहानी. आज के लेक्चर में आते हैं. आज के लेक्चर में देखिए बेटा, अभी तक हम मैंने आपको पढ़ा दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है. अब हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है. मतलब टिल नाउ वी हैव लर्न कि हाँ सर, प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करना है, लेकिन अब समझेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. अब इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास टेक्निक्स हैं, और वही धीरे 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 एक एक करके टेक्निक सीखते जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा. नाउ अगेन आई एम सेइंग गाइस कि पैरेलली आप एनसीईआरटी करते चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखा है, और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं. लेकिन डरना नहीं है, बाद में चल के नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा सर ऐसा कर्व है, काम ये करो आंसर आ जाएगा. कर्व देखोगे आंसर, सर काम ये कर रहे हैं आंसर ये आएगा, पक्का हो जाता है. मतलब बोलते हैं ना सर, वो एक बार मोनोटोनस हो जाता है सर, एक ही जैसा आने लग जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इक्वेशन अच्छे नहीं बन सकते यार, बनाने को तो बहुत अच्छे इक्वेशन बन सकते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मान के चलिए कोर्स है. एनीवे, आप देख सकते हैं बेटा आज का लेक्चर का टॉपिक है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ डी, मेथड टू सॉल्व डी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स. ट्राई करते हैं खत्म करने की. सबसे पहला चीज बेटा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये होता है कि जो आप ये देख रहे थे पिछले लेक्चर में, जो ये था, ये कंडीशन जो था ना, कि एक आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के साथ कुछ कंडीशन दिया गया है, फंक्शन के साथ कुछ कंडीशन दिया गया है, इसी को बोला जाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सर अगर कंडीशन नहीं देगा तो क्या होगा? बेटा अगर कंडीशन नहीं देगा तो पक्की बात है कि वो जो आप आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर रहे हो, वो एक जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा. मतलब उसका वैल्यू हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो सिर्फ हम उतने पे ही छोड़कर आ जाएंगे. बात समझ में आया? सपोज कर लो कि मैंने एक फंक्शन लिया, ध्यान से सुनिएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पीछे जो पढ़ा वही मैं सिखा रहा हूं. इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बेटा, ये हो गया वाई डैश इज इक्वल टू एम. अब मेरे पास कुछ गिवन है ही नहीं कि सर इनका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा. अगर आपको लग रहा है सर इनका वैल्यू ऊपर से निकालेंगे, बेटा नहीं निकाल सकते हो, अभी तक तो नहीं निकाल सकते हो. इनफैक्ट आप दूसरा बार डिफरेंशिएट करोगे वो अलग बात है. फिलहाल मैं मान के चलता हूं बेटा कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, छोड़ो ना मैं यहीं पर समझा देता हूं, उतना दूर भी नहीं जाना, यहीं पर समझ लीजिए. देखिए बेटा, अभी एम और सी का वैल्यू आप फिक्स नहीं कर पा रहे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस. ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप एम और सी का वैल्यू चेंज करेंगे, कई सारा लाइन निकल के आ जाएगा. जितना बार चेंज करेंगे उतने बार ये चेंज होता जाएगा, अलग अलग लाइन बनाते जाएगा. अब अलग अलग लाइन बनाने का मतलब क्या है बेटा, कि ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कई सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा. Only thing you have to do is change the value of m and c. You'll get lines, family of lines as per the value of m, c, slope and y-intercept. और क्या? Anyway, अब बात वही है बेटा कि अभी इस टाइप के सोल्यूशन को बोला जाता है, ये एक जनरल सोल्यूशन हो गया, ये एक जनरल सोल्यूशन हो गया. अब मैं इसके साथ एक कंडीशन एड कर रहा हूं. मैंने क्या किया, एक कंडीशन को ऐड कर दिया. अब जैसे ही कंडीशन ऐड करूंगा, ये बन जाएगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा आप डर रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो. आप लोग, वापस बता रहा हूं, एक सिंपल सी बात है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा विद सम कंडीशन, वह उसको बोलोगे सर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है, खत्म कहानी. अच्छा ऐसा है सर, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा. वेरीफाई दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x. बी केयरफुल गाइस, फंक्शन आपका ये है,
x belonging to r is a solution of initial value problem. dy is equal to sin x plus cos x and y is equal to minus 1. एक बात से आप दोस्ती जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है और एनसीईआरटी जानबूझ करके इतना गंदा लैंग्वेज रखा है. क्यों रखा है आपको बता रहा हूं. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ये फॉर्म पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है. अग्री करते हो आप इस बात को? यस सर. पूरे कैलकुलस में आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ा है, हाँ कि ना? यस सर. कितने बच्चे ये पढ़े y इज इक्वल टू y ऑफ एक्स? देखिए कभी आप लोग y इज इक्वल टू y ऑफ एक्स नहीं देखे हो. तो याद करो ये एफ ऑफ एक्स लिखने का ही एक तरीका है जो एनसीईआरटी अपने लैंग्वेज में बात करता है. और ऑब्वियस बात है कि जब आप इन चीजों को देख करके नया नया लग रहा है तो आईआईटी यहीं से खेलेगा. और सच बता रहा हूँ वो जानबूझकर यही से ही पूछता है सवाल. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं देगा, y इक्वल टू y ऑफ एक्स देगा. समझ गए आप? एक बात वापस से सुन लीजिए, क्या क्या आपको ध्यान देनी चाहिए. आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं भी ट्राई यही किया हूं कि मैं भी सेम फॉर्मेट में लिखूं. प्रीवियस ईयर है उसमें भी आप देखोगे सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना लिख करके y इक्वल टू y ऑफ एक्स लिखा गया है. अब आपको ध्यान ये देना है बेटा कि ये जो x है ये x का वैल्यू है और ये जो y है ये y का वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब फंक्शन में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एफ ऑफ एक्स. मैंने रखा x का वैल्यू 2, y निकल के आ जाता था 4. तो बेटा यही से लिखते थे ना आप लोग, f of 2 is equal to 4. बोलिए हाँ कि ना? Yes, x का वैल्यू आपने 2 असाइन किया तो y का वैल्यू 4 आ गया. Yes, तो इसको लिखा जाता है f of 2 equal to 4. Yes, sir. अब वही चीज आपसे पूछा जाएगा बेटा, x का वैल्यू देखिएगा है और ये जो निकल के आएगा वो 4 होगा. ये f है, y है, z है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हम सीधा सा समझेंगे सर ये डराने का आपका तरीका है और कुछ मेरा नहीं, एनसीईआरटी का तरीका है डराने का. ठीक है, एनीवे यहाँ पे आ जाते हैं बेटा. फिलहाल हमको ये पता करना है कि सर ये जो फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसका जो सॉल्यूशन है डी जो है वो ये है. ठीक है सर, सॉल्व करके वेरीफाई कर लेते हैं सर क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं है. चलिए, आपको जो बेटा फंक्शन दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. कर दीजिए डिफरेंशिएट. अब देखो वापस से बात आती है कि सर कितने बार डिफरेंशिएट करना है, हमको कितना कैसे मालूम पड़ेगा. तो बेटा इस बार आपको यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिया है, लेकिन सामने से खुद ही बोल रहा है कि देख भाई तू एक बार डिफरेंशिएट कर, तुरंत जो आंसर आएगा मैच कर और बता कि क्या ये इज अ सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ये वाला जब आप एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. तो ये डायरेक्ट दे रहा है आपको, तो आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा dy by dx. sin x का डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम रहेगा तो बता दीजिए. cos x. वेरी गुड. cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x तो क्या आपको क्या सर ये प्लस का sin x हो जाएगा? यस सर. यस सर. अब एक बात बताइए कि मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये मिला. जी. क्या ये इसके सॉल्यूशन से मैच कर रहा है जो सामने वाला बोल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ दिस सामने वाला सेम चीज दिया था कि सर इसका एक बार डिफरेंशिएशन ये आएगा. हाँ जी सर आएगा जी. लेकिन हमें को एक बार और चेक करना पड़ेगा कि क्या सर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. इस कंडीशन में बेटा ये किसका वैल्यू है? एक्स का. ये किसका वैल्यू है? वाई की. वाई की. यस सर. ध्यान देना है आप. यस सर. रख दीजिए यहाँ पे सर साइन बस जीरो. सीधा सीधा बता रहा हूँ बेटा, एक्स का वैल्यू आप रखिए जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो. फिर एक्स का वैल्यू रखिए यहाँ पे जीरो, ये क्या हो जाएगा? वन. मतलब बेटा ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया? माइनस वन. क्या वही आया है? यस सर. समझ में आया? यस सर. और कुछ? ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव एक बार में यही आ रहा है. मतलब हम बोल सकते हैं सर ये जो फंक्शन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो आप दे रहे हो वो सॉल्यूशन है. सीधी बात. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फंक्शन बता सकते हैं आप लोग? इस क्वेश्चन को पढ़ करके फंक्शन बताइए क्या है. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस. परफेक्ट. y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. Yes. अब बताइए अगर फंक्शन आ गया तो हमारे दिमाग बोले क्या दिमाग बोलेगा कि बेटा डिफरेंशिएट कीजिए आप. जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आपके दिमाग में आएगा सर कितने बार? तो तीन बार.
बार कैसे तीन मालूम? बार सर इसमें दिया है क्वेश्चन, दिया है सर, 3 बार करना है। चलिए पहली बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा। वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। वेरी गुड। वाई डबल डैश बता दीजिए, 2 आएगा और वाई ट्रिपल डैश बता दीजिए, 0। क्या लग रहा है सर, ये जो आपने दिया था वही तो आ गया? Yes. इसका मतलब क्या है कि सर इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगा 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो। बात समझ में आया? एक बार और क्या करेंगे, इसको जरा देख लेते हैं सर, ये रखने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। देखो दुनिया वाले इसको समझते हैं y is equal to f of x, लेकिन आप समझोगे y is equal to y of x, NCERT का लैंग्वेज है, खास करके ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए बेटा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x का वैल्यू 0 रख लीजिए, नहीं कर रहे हैं क्योंकि उधर रखिए 0 0 प्लस का 1 प्लस की वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है जो आपने दिया। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे। चलिए नहीं कर रहे तो हम लोग क्या लिख देंगे? नोट, मतलब इसको होना चाहिए था सेटिस्फाई। नहीं कर रहे मतलब मैं नहीं खाली पकड़ ऐसा किया रहूंगा, इसको 1 बना देता हूँ। यस सर। अब कर रहे हैं सेटिस्फाई? यस सर, कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है। x का वैल्यू 0 रख दीजिए। कहां पे रखोगे? फंक्शन में रखना है। आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा ये y of x नहीं f of x है, और f of x आपका ये है, समझ गए? यस सर, समझ गए। ये बन आएगा तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब सर हाँ इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, काम खत्म। यहाँ पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये भी अपने जमाने का प्रीवियस ईयर ही है, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा इसको क्वेश्चन को करने में। ठीक है बेटा, रिप्रेजेंट फंक्शन बाई ग्राफ देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डीवाई। कितने लोग जानते हैं ये क्या लिखा है बेटा? फंक्शन डीवाई, डीवाई का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब डीवाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं बोला ना लैंग्वेज से खेलने का आदत है, वो जानबूझकर इतना खतरनाक वर्ड यूज कर देगा। बोलते हैं ना कि सीधी सीधा से कान नहीं पकड़ेगा, ऐसा घुमा कर ही कान पकड़ेगा, वही काम करता है वो। डीवाई को मैं क्या लिखूंगा बेटा? डीवाई बाई डी एक्स, डी एक्स। याद रखिएगा डी वन है इधर, सामने वाला डी टू भी लिख देता है। Okay. समझ गए डी टू वाई का मतलब क्या होगा? डबल डेरिवेटिव, 100 माइनस वाई दिया है। एक बात बताइए बेटा, लिखा है रिप्रेजेंट फंक्शन, हमको तो फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हाँ जी। बात ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? अगर आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ा है, आपके फंक्शन के पास पहुंचना है, तरीका क्या है बेटा? इंटीग्रेट कर दीजिए। यस सर। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम कुछ चीजों की ध्यान रखनी पड़ती है कि y के वेरिएबल्स को y के साथ रखिए, x को x के साथ रखिए। तो मैं इंटीग्रेट करने से डरिएगा मत, यही चीज सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसको थोड़ा अर्ली उठा लिया। ये हो जाएगा बेटा dy डिवाइड बाई 100 माइनस y इज इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन कुछ बन जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई 100 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स। आई एम डैम श्योर कि आपको आता रहेगा, इतना इतना तो भरोसा है। हाँ जी बता दीजिए जरा, 100 माइनस वाई, 1 अपॉन 100 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस 1। परफेक्ट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 100 माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस 1। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, dx का इंटीग्रेशन x हो गया सर। x आपको तो फंक्शन चाहिए। हाँ जी, फंक्शन के लिए इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कितने लोग समझ पाएंगे सर ये माइनस को आप उधर भेज दीजिए? ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 100 माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस, अरे नहीं माइनस सिक्स। अब मैंने ई लिखते समझा दिया आपको क्या करना है, लोगों को हटाएंगे बेटा, उधर ई पावर माइनस सिक्स हो जाएगा, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स। अब वाई का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 100 माइनस ई पावर माइनस एक्स। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत बच्चा लोग? नो सर, बिल्कुल नहीं सर, ये तो आसान है। अब सामने वाला बोल रहा है कि जो फंक्शन आया उसको रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ से। ठीक है, जिन बच्चों ने ग्राफ पढ़ा है उनके लिए तो गुड न्यूज है सर, रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स, फिर हम ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप ये रहेगा, पहला मैं ड्रॉ करूंगा बेटा
ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e पावर x, देन आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e पावर माइनस x, देन आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस e पावर माइनस x, फिर मैं ड्रॉ करूंगा 100 माइनस e पावर माइनस x का। ये स्टेप होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे ग्राफ बनाता हूं मैं। e पावर x का स्टैंडर्ड सा ग्राफ है, सब लोगों को याद होना चाहिए। सर, e पावर x का ग्राफ कुछ होता है ऐसा। समझ गए? जब x में माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, जब x में माइनस हो तो ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कीजिए, और जब y में माइनस हो मतलब पूरे फंक्शन में ही माइनस लगा दिया जाए तो आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कीजिएगा। पहली बात यह कि सर x में माइनस कर रहे हो तो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y में रिफ्लेक्ट कीजिए। तो जो ये पोर्शन इधर जा रहा था अब ये इधर हो जाएगा, जो ऐसा जा रहा था वो ऐसा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आप लोगों को दिख गया रहेगा? हाँ जी सर, दिख गया। ये हो गया बेटा सीधी का रिफ्लेक्शन, ये हो गया। ये किसका ग्राफ है? e raised to power minus x का। minus x का, वेरी गुड। फिर क्या बोल रहा है सामने वाला? बोल रहा है माइनस e पावर माइनस x कीजिए, मतलब पूरे फंक्शन में माइनस लगा के दे दिया। इस बार क्या करोगे आप लोग? इसको नीचे ले, नीचे x में इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप x में रिफ्लेक्ट करोगे, जैसे ही आप, एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है? गलती किया है? ध्यान से कोई बता सकता है कहां पे गलती किया है? हां जी सर, हम बता सकते हैं कहां पे गलती किया है। बेटा जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक कांस्टेंट भी तो आता है। हां जी, मैंने उसको छोड़ दिया। अभी मेरे को याद आया, कंडीशन भी तो दिया है। कोई ना, यहां पे एक सी आएगा, फिर यहां पे सी आएगा, फिर यहां पे सी आएगा। सी का वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा एक काम कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना यहां से मैं एलिमिनेट कर देता हूं। एक मिनट लगेगा और क्या। सी का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, देखिए कंडीशन दिया है। एक्स का वैल्यू बता दीजिए यहां से, इसको देख करके एक्स का वैल्यू बताइए और वाई का वैल्यू बताइए। एक्स 0 और वाई 50 रख देते हैं। एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 50 दिए हो जाएगा बेटा माइनस लॉग 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। सो सी का वैल्यू आ गया माइनस लॉग 50। यही आ रहा है? यस सर। अब ऊपर में रख देते हैं सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में, माइनस लॉग 100 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग 50। और आगे देख लेते हैं बेटा, लॉग लॉग को साथ में कंबाइन कर दीजिए, कुछ बन जाएगा? हाँ जी सर, बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू लॉग 50 प्लस में लॉग ऑफ 100 माइनस वाई। हाँ वाई होगा ना? यस सर। कितने लोग समझ पाए अब क्या करने वाला हूं मैं? माइनस में है ना, कोई माइनस में, माइनस ये, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस में, माइनस में। बता दीजिए जरा मैं क्या करने वाला हूँ। लॉग लॉग है, माइनस लॉग है। पहले सर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिए कि लॉग डिवीजन माइनस नहीं होता, डिवाइड कर लेता है खुद, डिवाइड होंगे। यस सर। ये हो जाएगा बेटा 50 डिवाइड बाय 100 माइनस वाई। अब क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय 100 माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। वापस सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ई पावर एक्स ही है ना? हाँ जी। जस्ट अ मिनट, ई की पावर माइनस एक्स में जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर है क्या कहीं पे? माइनस ये प्लस एक्स तो उधर ही रहेगा। ये सही है सर, माइनस लॉग 50 आना था। माइनस लॉग 50 या फिर उधर जाएगा? यस सर, और लॉग 100 माइनस वाई प्लस का आना था। मैंने सिर्फ इसको ट्रांसफर किया है तो log 50 प्लस में गया, ये माइनस में ही रहा। x को मैंने एक ही साइड रखा था तो x माइनस यहां पे तो नहीं आएगा सर। x माइनस क्या बोले बेटा?
एक्स माइनस का आएगा, क्या बोले? एक्स माइनस का आएगा सर, मैं कहां से माइनस में आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। माइनस में तो दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया ना, माइनस लॉग 50 को मैंने इस साइड किया है, यस सर, एक्स को मैंने एक ही साइड रखा है, तो उधर लॉग 50 प्लस में गया, माइनस हो गया 100 माइनस वाई, ठीक है कोई ना, लेकिन इसको आना चाहिए माइनस में, क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, मुझे याद है। लेट अस वेरीफाई कहां पे गलती है, माइनस लॉग 50 सी इक्वल टू माइनस लॉग 50 माइनस माइनस लॉग 50 इधर गया प्लस 50 अपॉन ये एक्स वैल्यू ये रहा, और एक्स तो एक्स में ही आ रहा है ना यार, एक्स तो एक्स में ही आ रहा था, फिर गलती कहां पे, हमने कुछ पंगा किया है, लग तो नहीं रहा है, बिल्कुल सही है, कोई ना छोड़िए, जैसा बनेगा वैसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और क्या 50 अपॉन ई पावर एक्स, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा, इज इक्वल टू में 10 नहीं आ जाएगा? हाँ जी बेटा, सिर्फ 50 अपॉन में 10 नहीं आ जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी, संभाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी गंदा ग्राफ नहीं बनेगा यार कि मेरे से बन ना जाए, चलिए हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 50 अपॉन ई पावर एक्स को, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, इतना भी मैं बोला ना, इतना भी गंदा ग्राफ नहीं बनेगा कि ये हो ना, पक्की बात है बन जाएगा, वाई को उधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, ये हो जाएगा 100 माइनस 50 ई पावर माइनस एक्स, तो ज्यादा दिक्कत भी तो नहीं हुआ, ई पावर माइनस एक्स के बाद मैं एक स्टेप और लगाना होता, वो लगाना होता कि मैं आप माइनस 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप बढ़ा लेते हैं, और क्या ग्राफ बनाना हिंदी चिंदी काम होता है यार, शिफ्टिंग का काम होता है और कुछ नहीं, e पावर माइनस एक्स के बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा 50 e पावर माइनस एक्स का, फिर मैं बनाऊंगा माइनस 50 e पावर माइनस एक्स का, एंड लास्टली मैं बनाऊंगा 100 माइनस 50 e पावर माइनस एक्स का, सीधा सीधा। अब e पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, याद है तो बता दीजिए, रिफ्लेक्शन कहाँ पे लेना है आपको, जो अपोजिट वाला होगा, यस रिफ्लेक्शन, अगर एक्स माइनस में है तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कीजिए आप, तो ये हो जाएगा बेटा, बस ये ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, जी 50 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, एक चीज बता देता हूं, ये पास हो रहा था बेटा 0.1 से, रिफ्लेक्शन के बाद भी तो वहीं से पास होगा, यस सर, और जब आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो आप फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ बनाना, याद है आप लोगों को साइन 2x साइन 3 से ग्राफ बताया था, मैंने बोला था जब x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, और पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो y एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना कुछ नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना है e पावर माइनस एक्स का ही, आप e पावर माइनस एक्स का ही ग्राफ बनाएंगे, बस दुनिया वाले को ये बोल देंगे कि देख भाई पहले जो 0.1 से पास हो रहा था अब पास होगा 0.50, अब इनको माइनस करना है, जी माइनस करना है तो पहले इनका ग्राफ बना लेते हैं, यस सर, जी इनका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, पूरे फंक्शन में माइनस है तो दूसरी साइड से लग जाएगा, यस कौन से ग्राफ का, ये वाले ग्राफ का, एक्स में रिफ्लेक्शन ले लीजिए, एक्स में रिफ्लेक्शन लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा, देखिए ऊपर में 0.50 से पास हो रहा था, नीचे आएगा तो 0.-50 से, वेरी गुड, ये पास हो जाएगा 0.-50 से, क्या है बात है, अब बोल रहे हैं 100 ऐड करो, ऐड करने का मतलब देख रहे हो ना, प्लस 100 किया गया है, जी यस सर, मुझे ग्राफ को 100 यूनिट ऊपर लेके जाइए, सोचिए कि माइनस 50 नीचे था, ऊपर जाएगा तो कहां पर जाएगा, 50 ऊपर जाएगा, के पास होगा, वेरी गुड, क्या बात है यार, ग्राफ सीखे आप लोग, और शक्ल तो ऐसा ही रहेगा, हां जी यस सर, रिफ्लेक्शन की बात नहीं, बस ग्राफ जो ऐसा था इसको उठा करके ऊपर रख रहे हो, तब वो दिख गया सर शक्ल, अब की बार इनका कैसा बनने वाला है, यस सर, जी समझ में आया, यस सर, हां जी सर, और ये पॉइंट क्या होगा बेटा, 0.50 हो गया ग्राफ, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आ गया। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ग्राफ आपका फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, समझ गए, यस सर,
आसान था यार, बहुत टफ नहीं है। मैंने बोला ना ये इतना भी गंदा नहीं आएगा कि बनना जाए, बिल्कुल बन जाएगा। सर एक मिनट, ग्राफ वाला बताना ग्राफ बताना है आपको वापस? ना ना, एक बस एक मिनट है सर। ये शिफ्टिंग है, डोंट वरी, ग्राफ नहीं आता। मैं आप लोगों इसी संडे का सेशन लेने वाला था, लेकिन इस संडे बिजी हो गए आप लोग तो नहीं ले हो पाया। गया, हो गया, डन, ओके, डन। आ जाते हैं रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है। ध्यान दीजिएगा, ये दिखाने के लिए सात है, काम इनका चार है। सर तो फिर सात क्यों लिखा आपने? बता देता हूं आपको, सेवन रिजॉल्विंग मेथड्स लिखने का मेरा पर्पज ये था। ये तीनों ही, ये दोनों, सच पूछो तो ये दोनों, इन दोनों को अलग अलग में पढ़ाना इसलिए पसंद किया क्योंकि जितने भी सारे मेथड्स हैं लास्ट में आकर के यही बनने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा कि पहले इन दोनों को क्लियर कर दो कि जब इन मेथड्स में ऐसा शक्ल आएगा तो आप डरोगे नहीं, फिर आपको लगेगा हाँ सर ये तो मैं पहले ही पढ़ के रखा हूं। मैंने क्या किया बेटा, इसी में से इस फॉर्मेट को निकाल लिया है, तो बच गए कितने, पांच बच गए। एक क्योंकि मैं बोला ना ये दोनों आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि इनमें काम आए, बाकी कोई मेथड नहीं है ऊपर वाला, बस इनका लास्ट वाला रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है मैंने आपको ऊपर लिखा है। बच गए पांच, पांच में से ये जो रिड्यूसिबल है होमोजेनियस एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इनको हम लोग कभी कभी एक काउंट करते हैं, कभी कभी दो काउंट करते हैं, लेकिन सच पूछो तो है पांच, बोलते चार है और लिखते सात है। क्या सीन है सर? सीन कुछ नहीं है, आपको नंबरिंग से क्या मतलब है, आपको तो सारे पढ़ने हैं। यहां पे आ जाइए, पहला फॉर्मेट ये है बेटा, पहला फॉर्मेट में बोल रहा है कि आप डीवाई बाई डी एक्स को आप देखोगे कि एक साइड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, दूसरे साइड जितने सारे फंक्शंस, जितने सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे एक्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। दूसरा वाला बोलता है कि एक साइड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और दूसरे साइड वाई के वेरिएबल्स में एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई प्रेजेंट है। तरीका एक ही है बेटा, इनमें भी वही आप कंसिडर करोगे, इनमें भी वही करोगे, सारे में वही काम करना है कि वाई को एक साइड, एक्स को एक साइड, y को एक साइड, x को एक साइड, और कौन से साइड, y को dy के साथ, x को dx के साथ। मैं लिख दे रहा हूं, सब में वही काम आएगा। क्या करना है बेटा, x को किसके साथ, dy dx के साथ, और y को dy के साथ। अब बोलेगा सर कभी कभी तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो बेटा नहीं कर पाओगे इसीलिए क्यों लिखा है ना, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, कुछ तरीका yes, होगा सिंपलीफाई करने का, उसमें सीख लेंगे अपन। चलिए पहले एक एक करके बात करते हैं। आपको दिख गया सर पहला वाला फॉर्मेट, नंबरिंग याद होना चाहिए। आपको दिख गया सर डेरिवेटिव, सारे के सारे एक्स वाले प्रेजेंट है एक साइड, हाँ कि ना, जल्दी बोलिए yes, yes, सब लोग बोलिए बेटा, सोइए मत yes, sir. यार, सारे चैप्टर में सोए हो, अब तो जग जाओ। नहीं सर, जगे सर, हम जागे थे। अरे यार मेरी से गलती होगी, माफ कीजिए, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, दो को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आप लोग तो हमेशा लेक्चर में जगे रहते हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए बेटा ये फॉर्मेट कौन सा है, डेरिवेटिव एक साइड, एक्स वाले एक साइड, दिख गया आपको, मतलब पहले बात कर रहे हो सर, डेरिवेटिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, एक फर्स्ट एंड सेकंड, बार बार पूछूंगा आपसे। तरीका क्या है बेटा, क्या करना है आपको, एक्स को डीएक्स के साथ, वाई को dy के साथ। फिलहाल इसमें y वाले टर्म्स प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, dy is equal to x upon x square plus 1 dx लिख दूंगा, बोलिए हाँ कि ना, हो गया सर, y dy अकेला, dx वाले x के साथ अकेला हो गए, जैसा ही मिला आपको, इनको बोला जाता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल, इनको ही बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल। मैं बोला ना पहला और दूसरा सब में आता है, इसलिए मैंने उसको अलग ही काउंट कर लिया है लेकिन काम मैंने वही किया है कि x को एक साइड कर दिया, y को एक साइड कर दिया, समझ गए? Yes, हाँ जी सर, अब जैसे ही ऐसा किए आप लोग को करना है इंटीग्रेट। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब आपका इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ध्यान yes, sir. ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। क्या कोई मुझे बताएगा सर इंटीग्रेट कैसे किया जाए? हाँ जी सर, बता जी दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 को ना t पुट करेंगे तो ना x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। क्या बात है, इस साइड y दिख गया आप लोगों को? हां जी दिख गया। हां एक चीज बता रहा हूं बेटा, ये सिंपल सा फॉर्म होता है कि नीचे वाला
जब भी आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक दिखे साथ में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जब लीनियर क्वाड्रेटिक दिखे या डिग्री में एक का डिफरेंस दिख जाए, ऊपर चार नीचे पांच, ऊपर छह नीचे सात, ध्यान दीजिए इस तरीके का डेरिवेटिव बन रहा है क्या। अब बेटा बताइए x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 2x, yes, sir. मैं क्या करूंगा, ऊपर में x प्रेजेंट है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। और याद है आपको मैंने बोला था कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस c, fx plus c, वेरी गुड, ये हो जाएगा बेटा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, हम पहुंच गए फंक्शन के पास। अब वही बात होती है कि यहाँ पे ये सी है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम फंक्शन के पास पहुंचते हैं, समझे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। अब जिस टाइम पे आप सी का वैल्यू असाइन कर दोगे, सी क्या काम करेगा, ग्राफ ऊपर नीचे ले जाने का काम करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा, जैसे आप सी को फिक्स कर देंगे ये बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर इसका ना जो आपने डायरेक्ट वाला बताया ना, क्या बोलते हैं ये डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन ना, कि अगर उसका एक पावर ज्यादा होगा उसको एक बार बताना। समझ लीजिए, मान लो बेटा यहाँ पे है 3x³, मान लीजिए यहाँ पे x³ है और नीचे में x पावर 4 प्लस 1 लिख दिया मैंने, पावर में एक का डिफरेंस देखा आपने। हाँ जी, बस आपको ये सोचना है कि सर डेरिवेटिव में ही पावर एक कम होता है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x² 3x² में कांस्टेंट काउंटिंग कर रहा हूँ, बस पावर के फॉर्म में बता रहा हूँ, x4 का x³ के फॉर्म में आएगा, x5 का x पावर 4 के फॉर्म में आएगा। तो जैसा ही ये चीज मिलता है सबसे पहले आप जल्दी कीजिए, ये दिमाग में लाइए सर इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर देता हूं मैं। Okay. इसका डेरिवेटिव कैसे क्रिएट करोगे बेटा आप, x पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर लिख दीजिएगा 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस का c, कहानी खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई आ गई सर। नॉट ओनली फॉर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, इनफैक्ट अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स भी देखते हो, लॉग देखते हो, जिसका डेरिवेटिव देखते हो, सबसे पहला फंडा सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस ही, कहानी खत्म। कॉट का वैसे ही तो आया है, कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉस बाय साइन, हां जी, साइन का डेरिवेटिव कॉस देखता है, हम लोग क्या लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। समझ गए बेटा, बिल्कुल समझ गए सर। हाँ, मैंने इस सोल्यूशन को, इस फंक्शन को कुछ तो नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, we change the value of c we get the family of curves, yes sir, but the moment we fix the value of c we represent only one curve, to aap jis time c ka value fix kar doge aapko sirf ek curve milega। ab sawal ye aata hai sir c ka value fix kaise kiya jayega, beta initial value problem mein aapne wahi sikha hai ki function diya jayega, differential equation diya jayega, kuch condition diya jayega, jaise hi condition doge ki ab aapka jo graph hoga wo ek sundar ban jayega, dekhiye। अब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि मैंने सी को हटा दिया है, अब सी का वैल्यू क्या आ गया था बेटा, सी का वैल्यू आया था माइनस लॉग 50, ये हट गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया था। बात समझ में आती है, हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन देखिए और बताइए फॉर्मेट नंबर 1 और 2। फॉर्मेट नंबर 1 अभी दिख नहीं रहा है सर, लेकिन ये दिख रहा है सर, बन जाएगा, वेरिएबल के फॉर्म में प्रेजेंट है। देख काम कर लेते हैं सर, डीवाई बाई डीएक्स को साथ में रखते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है बेटा, अब dx को परली साइड लीजिए, इंटीग्रेट, वेरी गुड, नहीं पहले x को तो साथ में कीजिए dx के साथ, हां जी अब इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद, अब देखते हैं किसका IQ ठीक ठाक है। मैंने कर दिया बेटा इंटीग्रेट, चलो मैंने कर दिया इंटीग्रेट, y का इंटीग्रेशन मैं बता देता हूँ क्योंकि सबसे टफ यही है, dy का इंटीग्रेशन होता है y, ये बता दीजिए आप जल्दी से, log ex plus e raised to power minus x plus c, ये कैसे सोचा बेटा आपने सर, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सर इसकी डेरिवेटिव ऊपर दिख रही थी डायरेक्ट, क्या बात है बेटा, log of mod of नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर प्लस का c। बाकी बच्चे लोग जो शांत बैठे हैं एक बार बोलिएगा, आपको भी समझ में आया, हां जी सर आ गया, अंजना ने बताया ना बेटा, अंजना आपने बताया ना, अनीश अनिश ने बताया, सॉरी अनिश ने बताया ना, हाँ जी। अच्छा आप बताइए बेटा ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है,
जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि सर सी का वैल्यू आपने फिक्स नहीं किया। सी का वैल्यू फिक्स कैसे किया जाता है, वही आपको क्वेश्चन एक कंडीशन के साथ दे देगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन। हाँ बात आती है फिर आगे की, सर इसको कैसे किया जाए, मालूम है सर क्या करना है, सारे वेरिएबल्स एक्स के फॉर्म में देख रहे हैं, डीएक्स को भेज दीजिए उधर, डीएक्स को भेज करके इंटीग्रेट किया जाएगा। अब मैं दो तीन स्टेप, एक दो स्टेप मिस कर रहा हूँ और डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बता दीजिए क्या, dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 4x डिवाइड बाय ex प्लस e की पावर माइनस x इनटू dx। अब देखते हैं किसका इंटीग्रेशन ठीक ठाक है, बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सर 3 को कॉमन ले लो, 3 टू द पावर 2x ले लिया, वेरी गुड, ले लिया कॉमन। अब तो डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है सर, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, ऊपर में e पावर 2x लिख रहे हैं, e पावर 4x लिख रहे हैं, समझा नहीं सर। आपने 3 कॉमन लिया और देखिए कुछ और कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x की पावर 2, वेरी गुड। अब आपने अच्छा सोचा है, मतलब क्वेश्चन एक तरीका तो सोच लिया आपने, आपने यही बोला था बेटा, यस सर, वेरी गुड। e 3 e पावर 2x इधर क्या बच जाएगा, e की पावर 2 प्लस e की पावर 2x। नीचे वाले का एक काम करते हैं सर, ये माइनस पसंद नहीं है हमें, तो एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देख पा रहे हैं e पावर 2x प्लस 1 बाय e पावर x दिख रहा है, हां जी दिख रहा है बिल्कुल, तो सर नहीं दिखा सर, एक बार वापस से समझाइए, देखिए बेटा इसको कुछ नहीं करना है, e पावर x प्लस 1 बाय e पावर x लिखिए, एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, e पावर 2x प्लस 1 बाय e पावर x हो जाएगा, मैंने बस वही लिखा है, समझ में आया। अच्छा ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, हां जी बोलिए, हाँ कि ना, यस सर, यस सर, ये लोग देख पाए कि सर ये बन गया अभी 3e पावर x dx, हां जी, ना ना सर कैसे बोल रहे हो बेटा, ये देख कट गया ये, नहीं समझे अभी भी, समझ गए बिल्कुल समझ गए सर। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आता सर, आप बताइए, ठीक है मैं बता देता हूं, आता है सर 3e की पावर x होगा बस, और कुछ नहीं, और प्लस में प्लस सी भी, सी भी होगा, सी भूलना नहीं है क्योंकि सी, देखिए ग्राफ कैसे गड़बड़ किया था, हां एक बार गलती हो जाती है तो सबक ले लिया करो, दूसरी बार गलती नहीं होगी सर। नाउ अगेन दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, जब सी का वैल्यू फिक्स कर दिया जाएगा तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है सर, सर पूछ क्यों रहे, ऊपर ही तो लिखा है आपने, सेकंड वाला फॉर्मेट है, वेरी गुड, डेरिवेटिव और एक साइड वाई के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गए, क्या किया जाएगा बच्चा लोग जल्दी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बात है, आंसर बोलिए, जहाँ मर्जी वहां लिखिए, कोई गलती नहीं करेगा, बस लिखना है, ओके सी के लिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो आप आजाद हो, वैसे भी देश आजाद करके गए हैं सब लोग, मर्जी लिखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो मर्जी, मतलब ये गाना मत लिख के आ जाइएगा इंटीग्रेशन, ना ना सर वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखेंगे सर, ये बताइए बेटा, अच्छा वापस बेटा, ये जनरल सॉल्यूशन की पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्या मैं इसको पर्टिकुलर बना सकता हूँ, नहीं बना सकते सर, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि सर क्वेश्चन विद कंडीशन आपने दिया ही नहीं है, अगर कंडीशन दिया रहता कि x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो बन जाता, कुछ तो कंडीशन दिया रहता, जैसे मैं बोल दिया रहता कि बेटा y का वैल्यू पाई बाई टू है, तो मैं लास्ट में लिख देता y का वैल्यू पाई बाई टू, खुद से ये आप देख करके क्या समझ पा रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या है चीज, सर x की वैल्यू 1 और y कंडीशन दी है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, मैंने बोला बेटा जितना जल्दी दोस्ती करेंगे अच्छा रहेगा, करना नहीं है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, एफ ऑफ एक्स लिखने का तरीका है, वेरी गुड।
ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है सर, dy by dx plus 2y square is equal to 0. देवा क्या किया जाए सर? अब इसको 2y square को दूसरी साइड ना, dx को पहले 2y को लेकर जाकर, हां जी बिल्कुल, dy by dx is equal to minus 2y square. अब क्या किया जाए? अब ना जो 2y square उसको dy वाले साइड ले जाओ, dx को दूसरी साइड चलेगा? मैंने माइनस पे की साइड रखा, आपकी मर्जी कहीं पे लिखिए माइनस, एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, ये तो बस अपनी मर्जी का है. अब इसके बाद बेटा वाई और एक्स अलग अलग हो गए. हां जी यस हो गए सर. इसके बाद इंटीग्रेशन, और मैं पक्का जानता हूँ आप लोगों को नहीं आता ये चीज. आता है, क्यों नहीं आता है? 1 upon y square का फिर बता दीजिए आप लोग. y की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 1 अपॉन y, क्योंकि 1 बाई x का होता है 1 बाई x स्क्वायर, याद है ना कि 1 बाई x स्क्वायर, तो 1 बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई x होगा, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा. क्या बात है, मैंने सब चीज पैटर्न बताया था, आप लोग भूल गए. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. नहीं सर, क्यों और ये कट गए? कट गए सर. बचा क्या बेटा? 1 अपॉन 2y x प्लस c. ये अभी क्या है बेटा? जनरल, अभी जनरल है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, देखते हैं सर, वैल्यू पुट करेंगे, बना सकते हैं, बना सकते हैं. क्यों बना सकते हैं बेटा? सर x और y का वैल्यू दिया है आपने. यस सर. तो क्या करेंगे यहाँ पे? x की वैल्यू, x y की, x equal to 1, y equal to 1. क्या बनेगा इधर? 1/2. इसका वैल्यू बता दीजिए आप लोग. माइनस 1/2. पक्का? हाँ जी सर पक्का. हाँ जी समझ गए. यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, इधर बस रखना था और कुछ नहीं रखना था यार, इधर रख दीजिए आंसर. एक बार ना जो 3e वाला क्वेश्चन था ना, उसको उस वाली स्लाइड को खोलना है, उसमें 3e रेस्ट टू पावर 3x भी आना था. हाँ सर, उधर e की पावर 2x ही लिखा था ना, e की पावर 3x आना था. e3e रेस्ट थोड़ा नीचे. हाँ इधर, ये जो e की पावर x ही लिखा है ना, इधर e की पावर 3x आना था. पक्का श्योर हो आप? मैं लिख दूं? पक्का श्योर है. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, गलत हुआ. e पावर x को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस बनेगा ना. सर ये तो सर ये तीनों माइनस. हाँ हाँ सही हो. थैंक यू. समझ गए. सही हो. e रेस्ट टू पावर 3x प्लस 3 कैंसिल हो गया ना, e पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो गया, e पावर 3x प्लस c. बिल्कुल सही बेटा. यस वही, सिर्फ साक्षी जगी रहती है, बाकी सब सोए रहते हैं. ओ सर मैंने भी बोला था. नहीं सर बोला था आपने? हमें पता था पर हमने बोला नहीं कुछ. नहीं सर, नहीं सर, हम नहीं बोलने वाले सर, ऐसा थोड़ी होता है, बोला नहीं ना इन्होंने, पता था. भाई ना बोला करो यार. एनीवे बेटा ये क्या वैल्यू तो सही है ना, ये आप लोगों ने बोला है, गलती हो गया तो मेरा दोष नहीं. नो सर सही है, ये सही है, सही है ना. ठीक है बेटा. तो देखिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए एक काम किया जाता है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और जैसे ही सी का वैल्यू आया जनरल सॉल्यूशन में रख दीजिए, फिक्स हो जाएगा. यस सर. तो आप तो समझ गए क्या होगा सर? हाँ जी सर समझ गए क्या होगा? 1/2y equal to x minus 1/2. Minus 1/2. Very good. X minus 1/2. हाँ कुछ किया जा सकता है. यस सर. मतलब और सुंदर बनाया जा सकता है क्या? हाँ जी सर बना सकते हैं. इसको लिखिए 1/y is equal to 2x minus 1. हाँ जी. अच्छा इसको और सुंदर बनाया जा सकता है. हाँ सर बनाया जा सकता है. y equal to something create करो. y equal to 1/2x minus 1. क्या बात है, कोई मुझे बताएगा कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? ना सर ये मत पूछो आप. सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अरे सर क्या बोल दिया आपने? सर मैंने नहीं पढ़ा है ना तो मेरे को नहीं पता. हाँ जी मैंने नहीं पढ़ा है ना इसको, तो रेक्टेंगुलर वाला तो मुझे नहीं पता, इसीलिए बोला मैंने. नहीं पढ़ा सर, एक ही चीज है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये ग्राफ पढ़े आप लोग, y सर आप इसका वो बता दो गोला का है, इसका ग्राफ बताओ. नो सर नहीं पढ़ा है. नहीं पढ़ा है सर. पढ़ा है. बताओ 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 इसका ग्राफ. इसका ग्राफ बनाना है? हां जी यस सर बता दो. क्या बात कर रहे हो यार, मजा आ गया लेकिन ग्राफ पूछा आप लोगों ने.
देखा नहीं है ना मैंने कभी, अब मैं नहीं बेटा जल्दी से क्लिक कर दे। क्या इसका ग्राफ आप लोग जानते हैं? हाइपरबोला का देखा है इसका? अरे हाइपरबोला बोला, हाइपरबोला नहीं, ऐसा बोला नहीं। क्या आप लोग इसका ग्राफ जानते हो? नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते हो। आज जान जाओ। e पावर y इक्वल टू 1 बाई x का मत ये होता है बेटा। ओके समझ गए। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे देखिएगा ध्यान से, अच्छा चीज बता रहा हूं आपको। पहला चीज ये ध्यान दीजिए आप लोग कि बेटा ये जो कर्व है एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच करेगा, ये कर्व y एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच करेगा, ये कर्व y एक्सिस को माइनस इनफिनिटी पे टच करेगा। देख रहे हो ये इनफिनिटी पे टच कर रहा है। यस सर। वो बोला जाता है लाइन टचेस द कर्व एट इनफिनिटी, जिसको बोला जाता है एसिम्प्टोट। क्या बोला जाता है? एसिम्प्टोट बोला जाता है। सर क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बताना क्या बोला? एसिम्प्टोट बोला जाता है, मतलब अगर लाइन कर्व को इनफिनिट पे टच करता है उसको एसिम्प्टोट बोला जाता है, उस लाइन को। ओके सर ठीक है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर इसमें आपको कैसे मालूम पड़ा कि एसिम्प्टोट एक्सिस ही आएंगे, वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस ही आएगा? तो बेटा जब जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा, ये समझिए एक्स जीरो होगा तो वाई बेटा इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। एक बार आपका जब एक्स जीरो होगा तो वाई इनफिनिटी, मतलब वाई इनफिनिटी पे एक एसिम्प्टोट बनेगा। और एक इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, हां जी, तो वाई भी आता जीरो तो एक्स इनफाइनाइट होता, मतलब दो दो इसमें एसिम्प्टोट आ रहे हैं। करना कुछ नहीं है, 1 अपॉन 2x ग्राफ बनाना है, इसमें एसिम्प्टोट बता दीजिए बस। आप लोग जीरो पुट करना है, सोचिए सोचिए, आपको दिख नहीं रहा बेटा? ये हाफ कर दो सर, इनफाइनाइट बन जाएगा। हां ये सर कर दो हाफ, x का वैल्यू हाफ आ रहा है कि नहीं एसिम्प्टोट? आ रहा है x का वैल्यू हाफ एसिम्प्टोट, मतलब सर एक तो ऐसा हो गया, हाफ पे एसिम्प्टोट बनेगा ना, क्योंकि हाफ लाइन कभी टच करेगा ही नहीं सर, वो जैसे ही हाफ रुकोगे इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है अच्छा, अब इसको मैं जरा एक से इस फॉर्म में ला लेता हूं। अब आपने पूछ दिया तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे को भी। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेक कर लेते हैं, वर्टिकल तो चेक कर लिया कि सर एक्स का वैल्यू हाफ नहीं रखना है आपको। हॉरिजॉन्टल के लिए आप इसको लिखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x वाई 1 बाय वाई 1 बाय वाई, x का वैल्यू हो गया बेटा 2x हो गया 1 बाय वाई प्लस 1, मतलब 1 प्लस वाई डिवाइड बाय वाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 2y। इसमें एसिम्प्टोट बेटा, y का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हो आप लोग? एग्जैक्टली जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। y का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, और y का वैल्यू जीरो कब होता है? x एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या आ गया? ये आ गया सर, समझ गए। अब आपका ग्राफ बनने के लिए तैयार है, इसको ऐसा से ऐसा, फिर इसको ऐसा से ऐसा। ठीक है, आई नो कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट नेवर माइंड, समझ आ गया मतलब थोड़ा बहुत सीख गए, बना दिया ना? यस सर। यस वी हैव 2 मिनट्स, लेकिन मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा दिया है, मैंने बोला ना वो ऊपर वाला जो वेरिएबल सेपरेबल ही पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिए वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही होता है सर वेरिएबल को सेपरेट करो, जैसा ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट करो। और एक बात ध्यान देना होता है, जैसे साक्षी का डाउट पहले भी था सर सी किधर लिखना है, तो बेटा मैं जानता था ऐसा सवाल आएगा इसलिए मैंने बिल्कुल लिख दिया है, नो नीड टू इंट्रोड्यूस आर्बिट्री कांस्टेंट बोथ साइड, जिधर मर्जी लिखिए, कहानी खत्म। ओके सर। एक इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ द कर्व कंटेनिंग लॉग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका जो सी आएगा आप सी नहीं लिखोगे, आप लॉग सी लिखोगे। इनवर्स के लिए अगर मान लो साइन इनवर्स आ गया, क्या लिखोगे? साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स सी लिखोगे, मतलब वो सी है, कांस्टेंट है, वो जैसा मर्जी वैसा लिखिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? हाँ जी सर आ गई। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब कि सोचकर देखिए क्या सर वाई और एक्स सेपरेट हो सकते हैं क्या? वाई को डीवाई के साथ भेजिए, एक्स को डीएक्स के साथ भेजिए। नहीं हो सकते सर। हो सकते इसमें? नहीं हो सकते। देख लेते हैं यार, होगा क्यों नहीं, हो जाएंगे सर। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 1 प्लस ई पावर 2x डीवाई, यस सर, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स डीएक्स, यस सर, इधर लिख दिए dy डिवाइड बाय dx 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e पावर x dx डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर 2x, वो तो गया यार, बोल रहे हो नहीं होगा, मैंने इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट कर दिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा।
इसका तो आंसर आप लोगों को मालूम है? log of 1 plus y नहीं, 1 अपॉन लीनियर में log आता है, ये क्वाड्रेटिक है, 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स y, tan इनवर्स x बाय a। देवा रे देवा, दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताइए सर। प्लस वन माइनस वन, पुट वन प्लस ई पावर, यहाँ उतना क्यों करना है? आपने बोला नहीं कि अगर एक पावर ज्यादा हो तो ई पावर एक्स इक्वल टू टी पुट कर दीजिए, ई पावर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा, टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस डीटी डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। कितने लोग जानते हैं इसका टेंजेंट इनवर्स? टी इनवर्स जानते सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स टी, टी लेकिन टी कौन है, ई पावर एक्स प्लस में कौन आता, सी, लेकिन कहानी टेन इनवर्स में चल रही है, तो लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स सी। वेरी गुड, इनवर्स। अभी ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन? जनरल जनरल है, पर्टिकुलर बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बताइए। हां जी, x = 0 और y = 2, x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 1 रखिए, रख दीजिए सर। हां जी, पुट x = 0 y = 1 हो जाएगा tan inverse 1 - tan inverse e पावर 0, e पावर 0 भी 1 ही होता है, 1 1 1 में tan inverse का c, बोलिए हां कि ना। हां जी सर, बिल्कुल सर। ये tan inverse 1 आपको नहीं आता, मैं बता देता हूं, पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4, ये भी पाई बाई फोर, और इधर हो गया टेन इनवर्स माइनस मतलब सी सी सॉरी, और इसके बाद तो गारंटी आप लोग नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे सर, पाई बाई टू आएगा, पक्का 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 आएगा सर। अच्छा, जैसे ही बेटा सी का वैल्यू आ गया टेन, ये टेन इनवर्स सी का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई टू, तो जनरल वाली में पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन कौन था, जनरल सॉल्यूशन ये था सर, ये वाला। मैंने आपको क्या बोला था, जनरल सॉल्यूशन को क्या मानना है, क्वेश्चन नंबर 1 आया, आप क्या करोगे, 1 में ले करके रख दोगे, सी में पुट करेंगे y की वैल्यू, बिल्कुल रख देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ध्यान से समझिएगा, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, अरे सर क्या किया आपने बेटा, कुछ नहीं किया, माइनस था ना, तो e की पावर e की पावर x आएगा उधर, सॉरी e पावर x, बिल्कुल। और देखिए बेटा, जो tan इनवर्स c का वैल्यू था ना, मैंने पहले लिखना प्रीफर किया कि मेरे को माइनस बच जाऊं, अब आपको मालूम है पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स c पावर x कितना होता है, सर इसकी वैल्यू tan इनवर्स cot इनवर्स e पावर x, नहीं सर नहीं होती है, ये सब चीजें याद रखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स, को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय e पावर x, कंडीशन अप्लाई, अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए तब लिख सकते हो, फिलहाल e पावर x पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सर नेगेटिव आया तो बेटा, नेगेटिव होता है तो पाई माइनस लिखा जाता है, पॉजिटिव होता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, नेगेटिव हो तो पाई माइनस में लिखता, समझ गए, मुझे आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग सिखाना पड़ेगा जिसमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं 1 बाई ई पावर एक्स का ग्राफ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, ठीक है सर, आप आ गए हैं? नो सर। क्या बात है, अच्छी बात है सर, cot इनवर्स की इसकी वैल्यू कैसे पुट करना है, क्या बोल रहे सर, आ गया आ गया आ गया, हां बेटा बोलिए सर, cot इनवर्स की वैल्यू कैसे करी आगे, क्या समझा नहीं, cot इनवर्स की वैल्यू कैसे की जगह tan इनवर्स कैसे आए, हां देखिए आईडीएफ में एक फंडा होता है, याद रखिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूं, लिखा ये जाता है बच्चा लो कि अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो tan इनवर्स x, आप इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x, रिवर्स में भी ट्रू होता है, जब x आपका पॉजिटिव हो,
लेकिन जब एक्स आपका नेगेटिव होता है तो लिखा जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, समझे आप? यस सर। दिख रहा है ना कि ज्यादा पतला लिख दिया मैंने, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। और ये वाला चीज कब अप्लाई करोगे आप लोग, सेकंड वाला, जब एक्स नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे मैंने कॉट इनवर्स को बेटा डायरेक्टली लिखा हूँ टैन इनवर्स वन बाई एक्स, क्यों? क्योंकि मैं श्योर था कि सर कॉट इनवर्स के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा है जो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। ग्राफ भी देख सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है हमेशा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, नेगेटिव है तो पाई माइनस में रेसिप्रोकल किया जाता है। बात समझा? तो कर्व आपका इक्वेशन ऑफ कर्व आपका ये है। सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर मेरे को दो मिनट का टाइम दे दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन को समझा देता हूँ। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इक्विवेलेंट टू रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट मेरे को नहीं आता, आप बता दीजिए क्या होता है? y एक्सिस के पॉइंट। क्या बात है यार, एब्सिसा क्या होता है? x एक्सिस के पॉइंट। और स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है? y = mx/dy/dx। लाइन का स्लोप आप जो बोल रहे हैं वो होता है ना डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। कर्व का स्लोप हमेशा dy / dx से निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है स्लोप ऑफ कर्व मतलब dy / dx ये इक्वल है किससे? इक्वल है रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, y / x ही तो है। Yes, sir. अब क्या करना है बेटा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ जी सर। कर्व फाइंड करना है। वेरिएबल सेपरेशन। सॉरी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन में पहुंचना पड़ेगा जिसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि नहीं आता आपको। क्या सी लिखोगे कि लॉग सी लिखोगे? लॉग सी लिखेंगे सर। क्या बात है, कितने लोग देख पाए? log y equal to log cx, log yx पक्का? yes log y equal to log cx। क्या बात है, y upon x आएगा। very good very good। क्या बात है? yes sir। तो y is equal to cx दिख गया? हां जी दिख गया। हां सर दिख गया, कर्व के पास पहुंच गए। पहुंच गए सर। सर तो अभी ये कौन सा कर्व है, cx कौन सा कर्व है बेटा? cx एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। कर्व बनाना है cx पासिंग थ्रू ओरिजिन। बना लो, लो बना लो, ऐसे हिंदी चिंदी ग्राफ बोलोगे तो बना दूंगा मैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन सर, बता साइज का। चलिए हो गया, ये सारा ट्राई करके आना है। यस सर। ठीक है, पांच और सात क्वेश्चन दिया हूँ, सारे बच्चे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे भगवान माफ नहीं करेगा आपको। सर माफ नहीं करेंगे। एजेंडा बनाया आपने? हाँ जी सर, बैठा था मैं, बोला क्या करूं, बोर हो रहा था, मैं बोला झंडा बना लेते हैं।